तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं कि जिस तरह कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर, उसी तरह एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंडक्टर होता है, उसमें भी आपका एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर जो है एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक तरह का चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। अब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे कि आखिर इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग सोर्स दे दिया वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स जो होते हैं साइन वेव और कॉस वेव कर्व में होते हैं, इनका जो वैल्यू है ये आपकी वेरी करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये कर्व होते हैं साइन वेव और कॉस वेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पावर इक्वेशन यूज़ की है। पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, वर्क डन को हम लिख सकते हैं एनर्जी। तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू आई। तो ये हमारी पावर इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे डी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को इक्वेट करेंगे वी इंटू आई से। वी होता है आपका यहाँ पे बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ आपका जो निकलता है वो आपका निकलता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने क्या किया आपका, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं डी यू को, तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा आपका जीरो से आई, यानी लोअर लिमिट जो होगी आपकी जीरो होगी और हायर लिमिट आपकी आई होगी। तो इंटीग्रेट करके हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा जो है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर। और बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिशन और बोर्ड्स के परस्पेक्टिव। इस तरह के बेस्ट कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए जुड़े रही है विकास क्लासेस लाइव 2.0 से। और हाँ, इसकी यूनिट जो होगी वो जूल होगी। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यार से लेक्चर में।